नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत अहम खबर के साथ। अमित शाह से अखाड़ा परिषद ने की है मुलाकात। मुलाकात के बाद बदले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सुर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि हम योगी सरकार की शिकायत करने नहीं आए, हम अमित शाह जी को निमंत्रण देने आए थे। योगी सरकार कुंभ की तैयारियों पर अच्छा काम कर रही है, अधिकारी है कि जमीन देने को तैयार नहीं। 2 अप्रैल को अखाड़ा परिषद करेगा बैठक, शाही स्नान के बहिष्कार पर होगी चर्चा। ये जानकारी नरेंद्र गिरी की तरफ से दी गई है। इससे पहले आपको बता दें, कुंभ की तैयारियों को लेकर, खासकर जमीन देने को लेकर कई सवाल योगी सरकार पर उठाए गए थे अखाड़ा परिषद की तरफ से, लेकिन आज जब अमित शाह के साथ मुलाकात हुई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की, तो उसके बाद नरेंद्र गिरी के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि दरअसल योगी सरकार कुंभ की तैयारियों को लेकर अच्छा काम कर रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि जमीन देने को तैयार नहीं। सबसे पहले जो आप लोगों ने एक बात चलाई कि अखाड़ा परिषद नाराज चल रहा है, गलत चलाई। हम लोग कोई नाराज नहीं है, न हम लोगों ने किसी की शिकायत करने आए थे। हम तो केवल निमंत्रण देने आए थे कि आप कुंभ मेले का शुभारंभ करने आइए। माननीय अमित शाह जी उज्जैन का शुभारंभ किए थे और धर्मकर्षण नासिक किए थे, इसीलिए हम लोग निमंत्रण देने आए थे और उनको निमंत्रण हमारा उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द प्रयाग आएंगे। शाही स्नान का जब बहिष्कार किया था हम लोगों ने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी। आज माननीय राजनाथ सिंह हुई, अमित शाह जी से हुई और 2 अप्रैल को हमारी एक बैठक प्रयाग में होने जा रही है शाही स्नान के बहिष्कार के विषय में।